मतलब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट कैसे बन गया? कल को आप मेरी चैट लीक कर देंगे और कह देंगे कि इसको पहले से पता था। मतलब इन लोगों को तब प्रॉब्लम नहीं हुई जब बरखा दत्त की तारीफ एक आतंकवादी कर रहा है, ग्लोबली डेजिग्नेटेड आतंकवादी हाफिज सईद कर रहा है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष राय, आप देखें द क्वेश्चन आर भारत। अभी कुछ समय से ये मुद्दा चल रहा है अर्नब गोस्वामी का, उनकी व्हाट्सएप चैट्स के लीक होने का, उनको देशद्रोही साबित करने का, कई चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। और क्या सच्चाई है, क्या इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है? हर सिक्के का दूसरा पहलू जरूर होता है, उस पर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक पक्ष सिर्फ नैरेटिव क्रिएट करे, उसको स्प्रेड करे, प्रोपेगेंडा करे, और पर्टिकुलरली जानता है वो कि इसकी छवि ऐसी है कि इसके बारे में हम लोग कुछ बोलेंगे, प्रोपोगेट करेंगे, जल्दी से स्प्रेड होगा, कॉन्ट्रोवर्शियल पत्रकार है, कर देते हैं। तो क्या इसका दूसरा एंगल भी है, उसके ऊपर बात करेंगे, तो बने रहिएगा। अगर कोई नया तो मैं चाहता हूँ सब्सक्राइब कर ले। इस साल का एम जैसा मैंने सबके साथ बताया हुआ है कि 1,00,000 सब्सक्राइबर गेन करना है, तो आपको 1,00,000 सब्सक्राइबर गेन करें, मेरी मदद करनी पड़ेगी। सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो देखने के बाद, एंड तक देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में। और अगर लगे कि मैं कुछ सही बात कर रहा हूँ, तार्किक बातें कर रहा हूँ, तो इसको दूसरों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। कुछ दिन पहले की ही बात है कि अर्नब गोस्वामी पर लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं उनके बचाव में नहीं आया हूँ, लेकिन एक एंगल हमेशा, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो सिर्फ एक पहलू कई बार आपके सामने जोर शोर से रखा जाता है दूसरे पहलू को दबाने के लिए स्पेसिफिकली, और सारा नैरेटिव गेम होता है। क्योंकि जब तक आप एक नैरेटिव सेट नहीं करेंगे, अगले की इमेज कैसे बनेगी, अगले के आप खिलाफ कैसे होंगे? जो जनता अर्नब को मतलब न्यूट्रल होगी अगर, तो भी उसके नेगेटिव में हो जाएगी। अगर उसके पक्ष में ना हो, सिर्फ न्यूट्रल हो कि हाँ ठीक है एक पत्रकार है वगैरह वगैरह, तो भी उसके अगेंस्ट में हो जाएगी। तो ये नैरेटिव सेट कैसे किया जाए? तो एक पक्ष जो होता है वो फैलाया जाता है। पक्ष क्या था जो मैं बताते, जो सबको आपको पता होगा, ये था कि अर्नब ने एक ऐसी बात लीक की अपने व्हाट्सएप चैट के द्वारा, उसको पता था कि एयर स्ट्राइक होने वाली है, जो 2019 में हुई वो होने वाली है। और ये बात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बहुत बुरी लगी, उन्होंने ट्वीट किया। अब इसके ऊपर कांग्रेस का क्या कहना है, सबका पक्ष हम आपके सामने रखना चाहते हैं, फिर हम बात करेंगे। द कांग्रेस पार्टी सेड द टेक्स्ट एक्सचेंज बिटवीन टू मेन रेज सीरियस क्वेश्चंस अबाउट इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। सही बात, मतलब अगर अर्नब गोस्वामी अपने ही देश के, अपने मतलब वो कोई ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं है, वो कोई आतंकवादी नहीं है, मतलब दोनों के बीच में अगर बात हुई तो उसमें भी नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है। इसमें हम इलेबोरेट करेंगे अच्छे से, आप रुकिएगा। गवर्नमेंट बिट्रेड आवर नेशनल नेशन बाय लीकिंग नेशनल सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन टू सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, द पार्टी ट्वीटेड मंडे। तो पार्टी का कहना है कि सरकार ने लीक किया है ये बात, ठीक है, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट को। बहुत सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है जिसने आपकी बजा के रख दी। खैर, फिर थरूर साहब भी कुछ कहते हैं कि लीकिंग ऑफ मिलिट्री सीक्रेट टू अ टीवी चैनल फॉर इट्स कमर्शियल पर्पस रिक्वायर्ड अ सीरियस इंक्वायरी बाय मोदी गवर्नमेंट। वी ऑल एक्सपेक्ट इट वोंट गिव द एविडेंस ऑफ इट्स कॉम्प्लिसिटी इन बिट्रेयल रिवील्ड। बाकी आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब का क्या गुस्सा है। जाहिर सी बात है, खान साहब का गुस्सा आना बहुत जायज़ है, और ये कई बार मान चुके हैं कि हुआ है, लेकिन ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा गुस्सा दिखाना जायज़ है, कैसे कोई कह सकता है? मतलब इसकी रियलिटी को और साबित कैसे किया जा सकता है, इसको प्रूफ कैसे किया जा रहा है? अब ये तो ये नैरेटिव था जो वहाँ से दिखाया जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी के पास ये जानकारी थी, मतलब सरकार से मिला हुआ है, मतलब अटैक का इसको पहले से पता था और उसने लीक कर दिया, सिक्योरिटी देश की खतरे में आ गई। कैसे एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट को पता था? बहुत सो कॉल्ड है कि पूरी महाराष्ट्र सरकार पीछे पड़ गई थी, बहुत सो कॉल्ड है कि एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस जो तिगड़ी है, इन तीनों को मतलब एक साथ धो रहा था अगला, और तीनों जेल भिजवाने के चक्कर में पड़ गए थे। मतलब बहुत सो कॉल्ड है ना, इसका होना ना होना भाव, बस सो कॉल्ड है, ऐसे ही कल का आया वो लड़का है, ठीक है, ये भी जानते हैं कितना सो कॉल्ड है। अब देख लेते हैं कि मुद्दा क्या था। अभी जो टीआरपी स्कैम का जो केस चल रहा है, पुलिस ने चार्जशीट फाइल की, जो भी पता चला था कि पता नहीं 500 समथिंग कितने पन्ने का वो चैट था वगैरह वगैरह, उसी में ये छोटा सा चैट ये भी था। और मैं हूँ, आप हैं, 2019 की बात है, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि यार हमारे देश में आतंकवादी मार के चले गए और मोदी को कुछ करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए, क्योंकि उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी थी,
हम लोगों को पता है कि मोदी है, एक बार मार चुका है, ऐसी हालत होगी दोबारा मारेगा, ठीक। वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, प्राइम मिनिस्टर है, वो नहीं मारेगा तो उसकी सत्ता जा सकती है, वो मार देगा तो हर जनता को लगेगा, हर एक पॉलिटिकल थिंकर को, एक एनालिस्ट को लगेगा कि अगर इसने अटैक कर दिया, मार दिया, तो जितनी मतलब अभी सीटें हैं उससे ज़्यादा बड़ी सीटों के साथ वापस आ जाएगा, सत्ता इसकी और मजबूत हो जाएगी, और मतलब जो इसमें टेक्स्ट में लिखा गया है लोग वही शब्द यूज़ करेंगे। तो मैंने आपसे या जनरली किसी से ये डिस्कशन किया कि यार इस बार तो कुछ बड़ा करेगा, ये मूड में है और जनता का भी बहुत प्रेशर है तो करेगा। अब मैंने तो किसी ऐसे से बात की नहीं जो आगे जाके सिर्फ इस थॉट को, इस गेस को, इस विलिंगनेस को, मेरी इच्छा है कि अटैक करे, मुझे पता है कि अगर करेगा तो ये जीत जाएगा, मतलब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी की थ्रेट कैसे बन गया? कल को आप मेरी चैट लीक कर देंगे और कह देंगे कि इसको पहले से पता था। कल कोई अटैक होता है, मैं बोलूं कि ये जितना गंदा अटैक था मोदी इससे 10 गुना मारेगा और मेरी चैट लीक हो जाती है, तो क्या वो थ्रेट हो जाता है? वाह, मत सरकार मुझसे मिली हुई है, बहुत बड़ी बात है फिर तो, मैं तो चाहता हूँ मिल जाए सरकार मुझसे। मतलब इन लोगों को तब प्रॉब्लम नहीं हुई जब बरखा दत्त की तारीफ एक आतंकवादी कर रहा है, ग्लोबली डेजिग्नेटेड आतंकवादी हाफिज सईद कर रहा है। वो देशभक्त थी, ठीक है, वो देश की सुरक्षा के लिए सिपाही थी, और मुझे नहीं लगता कि बरखा दत्त की तारीफ हाफिज सईद के द्वारा किए जाने पर किसी कांग्रेसी का ये ट्वीट आया हो कि सो कॉल्ड जर्नलिस्ट की तारीफ एक आतंकवादी कर रहा है, इसको तो देश से निकाल देना चाहिए, देश के लिए बहुत खतरा है ये। मतलब अगर ऐसा कुछ काम कर रही है कि एक हाफिज सईद जैसा आतंकवादी खुश हो रहा है पाकिस्तान का और ये देश में है, मतलब देश तोड़ेगी भविष्य में, मतलब देश के लिए खतरा भविष्य में, ये किसी ने क्यों नहीं सोचा? लेकिन अर्णब गोस्वामी अपने ही देश के एक उस व्यक्ति से बात कर रहा है जिससे पुराना रिश्ता हो सकता है, कोई पर्सनल, बहुत समय से एक ही मतलब फील्ड के लोग हैं, कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। खैर, मेरा काम था आपके सामने इन चीज़ों को रखना। एक व्यू मैंने ये रखा कि फैलाया क्या जा रहा है, नैरेटिव क्या स्प्रेड किया जा रहा है। दूसरा व्यू है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी बात है, इसको सिर्फ बड़ा बनाया जा रहा है। तीसरा, इनको बरखा दत्त से कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी तारीफ डायरेक्ट आतंकवादी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इनको रवीश कुमार से दिक्कत नहीं, राजीव सरदेसाई से दिक्कत नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं, दलाल मीडिया में भरे पड़े हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनको उससे तो दिक्कत होगी ही ना, जो इनकी आज तक सिर्फ बैंड बजाता आया है पूरे कांग्रेस पार्टी की, गांधी परिवार की, आतंकवादियों की, जिहादियों की, सबकी, मतलब खुल के बोलने वाला व्यक्ति जो कि बिना पॉलिटिकली करेक्ट होने की चिंता किए, बिना सत्ता से डरे बोल रहा है, जेल चला गया सब कुछ, उससे तो आपको डर भी लगेगा, उसको आप सो कॉल्ड जर्नलिस्ट भी बोलेंगे, उसको आप पसंद भी नहीं करेंगे, उसके खिलाफ नैरेटिव भी फैलाएंगे। मतलब जिस दिन इंडिया पे अटैक हुआ और जिस दिन इंडिया ने अटैक किया, उस 10 दिन 15 दिन उस ड्यूरेशन का अगर आप चैट निकालेंगे तो लगभग बहुत मतलब 50-60-70% लोग ऐसी बातें करते हुए पाए जाएंगे कि मोदी इस बार मारेगा, मोदी को मारना चाहिए, नहीं मारेगा तो इसको हराएंगे, नहीं मारेगा तो ये वापस नहीं आएगा, ये बातें करते हुए पाए जाएंगे। और अगर मार दिया, मतलब इच्छाएं पूरी की, तो भाई खुशी जायज़ है, हम एक शो करेंगे कि आपने देश के लिए कुछ किया, हम आपके लिए कुछ करेंगे, आपको फिर सत्ता मिलाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मैं चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो आपको पता ही है कि इस साल का एम क्या है, 1 लाख सब्सक्राइबर, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, कमेंट में बताइए आपका ओपिनियन है, और कोई और गधा बेवकूफ जिसको लग रहा हो कि वो अपना मतलब स्टूपिड सा लॉजिक लगा के निकल जाएगा, उसको वीडियो शेयर करिए, उसको भी चैनल पर लाइए, जोड़िए। तो और टेलीग्राम पे कोई जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है, मैं हर व्यक्ति का रिप्लाई करता हूँ। तो बात करते रहेंगे, टच में रहेंगे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।